और मार्केटिंग बोर्ड की बात करना चाहता हूँ कि आज हम देखते हैं कि किसानों को सबसे बड़ी समस्या बागवानों को समस्या हो रही है कि बागवानों को जो किसानों को जो है उनका जो उत्पादन का सही कीमत नहीं मिलता है, जिस कारण जो है वो ठगा महसूस करता है। अभी हमने मॉडल एक्ट मार्केटिंग एक्ट जो है विधानसभा लेके आए थे, उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, दिसंबर माह में पूर्णतः है वो एक्ट पास होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। अब आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ई मार्केटिंग ओपन टेंडरिंग जो सिस्टम शुरू हुआ पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है मार्केट अपना किसान हो बागवान हो अपना उत्पादन को वहां बेच सकता है, उसमें टेंडरिंग के माध्यम से होगा। और हमने ये भी कहा है कि जो आपके मार्केटिंग यार्ड या कम है उस आप किसान अपने अपने प्राइवेट मार्केट खोल सकते हैं, पीपी मोड में खोल सकते हैं, बड़े बड़े बिग हाउसेज इसमें मार्केटिंग के ला सकते हैं। आज जो है हिमाचल प्रदेश के लिए सिर्फ मात्र 400 ही आरती ददानी है, आने वाले समय में पूरे नेशनल लेवल से जो है हर कोने कोने से जो है मार्केटिंग हो सकता है। आज जो किसानों का जो फसलों का बागवानों का जो पैसे खा के किसान आरती लदानी भाग जाता है, उसके लिए सेक्शन 45 में एक कानून बना है कि उसको हम कहीं से भी किसी कोने से उठा के ला सकते हैं, 6 महीने का जो है कारावास से 20,000 फाइन किया जाएगा। ऐसी योजना हम लाएंगे और ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों को उसका सही उनका जो है इज्जत मिले, सम्मान मिले, उनका जो है जो बागवानों का और किसी कृषि क्षेत्र में किसानों का जो पैसे प्रॉपर नहीं मिलता है, उनको सही पैसे नहीं मिल पाता है, उनको हम दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आने समय में किसान का जो है बागवान जो आगे बढ़े और 2022 तक जो हिमाचल प्रदेश का जो सपना है सरकार का मुख्यमंत्री मोदी का कि हर किसान का आय दुगुना हो, उसमें हम जो है वहाँ पर खड़े होकर चलने की कोशिश करेंगे। देखिए जो मार्कंडे साहब ने कहा है मैं उसको उस रूप में चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन मार्कंडे साहब एक बात को समझे, कानून के आधार पर कुछ नहीं होता है। मैं आज भी आपको कानून तो जो आज ये वाला कानून है ये भी उतना ही मजबूत कानून है, जो नया बिल आ रहा है मैंने पूरा उसका छानबीन कर दिया है, वो बिल बड़ी कंपनियों की मदद करेगा, आड़तियों को भी खा जाएगा, आड़ती भी नहीं बचेंगे। अब तो आपने अनुमति दे दी कि कोई भी आ सकता है और मंडी का निर्माण कर सकता है। आप समझते हैं मंडी, ये ढली में मंडी है इसको सरकार का तंत्र चलाता है, प्राला में मंडी है इसको सरकार का तंत्र चलाता है, खेकसू में मंडी है उसका सरकार का तंत्र चलाता है, तुरकोली में मंडी है उसका सरकार का तंत्र चलाता है। अब मंडियों का निर्माण कंपनी करेगी और बड़े आड़ती करेगी जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल सिर्फ कंपनी और बड़े आड़ती का रहेगा। तो आप बताएं वो किसान के लिए बिल बन रहा है या वो कंपनी और बड़े आड़ती के पक्ष में बिल बन रहा है। ये पूंजी का नियम है, जैसे जैसे उसका विकास होता है पूंजी संगठित होती है और उसका केंद्रीकरण होता है। GST लाया गया छोटे उद्योग को खत्म करने के लिए, तो इसलिए ये बिल लाया जा रहा है इस नजरिए से जिससे जो छोटा कारोबार जो आज सेब का करता है सब्जी का करता है वो समाप्त हो जाए और मोनोपली एस्टैब्लिश हो जाए, किसकी, चंद लोगों की मोनोपली। और आप जानते हैं आज रिलायंस भी इस कारोबार में आना चाहता है, अडानी पहले से आ गया है, फिर सारा देश इनके हवाले कर दो, कृषि भी इनके हवाले कर दो, तो ये नया बिल इस रास्ते पर जा रहा है।